G24 का महाराष्ट्र एक पाव पूरे प्रोग्राम मुंबई में चल रहा है। ये प्रोग्राम में महाराष्ट्र के बहुत बड़े जो नामी उद्योजक है वो हमारे साथ है। हम उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ माधव बाग के CEO और MD रोहित साने सर है, गुना गाडगिल एंड सन के CEO अमित नोडक सर है, नेचर केयर फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और व्यवस्थापकीय संचालक जयदेव बर्वे सर है। मेरा पहला सवाल रोहित साने सर से है, महाराष्ट्र सर आपका जो व्यवसाय है माधव बाग का वो बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से आपको क्या सहायता की जाती है? वैसा देखा जाए तो सहायता बहुत काफी हद तक बहुत अच्छी तरह से मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से दवाइयां प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे रॉ मटेरियल्स मिलना, ये भी सपोर्ट अच्छा होता है। एज वेल एज उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है। एज वेल एज जो क्लिनिक्स हम अब निर्माण करते हैं, जो हॉस्पिटल्स निर्माण करते हैं, उसके लिए जो सहायता मिलती है वो अच्छी खासी तरह से होती है। स्टैंडर्डाइजेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे FDA के लाइसेंसेस होते हैं, उसमें काफी सपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है आयुर्वेदा इंडस्ट्री को, लेकिन आगे जाते हुए और अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। अलग अलग स्कीम्स जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं, जो एलोपैथी के लिए फिलहाल अवेलेबल होते हैं, सर्जरी के लिए अवेलेबल होते हैं, वही स्कीम्स अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाए तो आयुर्वेदा की इंडस्ट्री ये काफी बड़ी हो सकती है। क्योंकि एक प्रकार का विश्वास जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद आता है, तो पेशेंट के मन में वो सपोर्ट निर्माण करना, वो विश्वास निर्माण करना, ये गवर्नमेंट अच्छी भली भांति से कर सकती है। और यही मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार से यही उम्मीदें होंगी कि वो उतना सपोर्ट बनाए रखे और भी सपोर्ट आगे जाकर के इम्प्रूव कर दे, तो आयुर्वेदा की इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है। अमित सर के पास में आगे जाऊंगा, गोल्ड का जो डिमांड है वो बढ़ता ही जाता है, इसलिए सरकार की जो योजना है उनका लाभ अपनी तरफ पहुंचने के लिए पहुंचना जरूरी है, तो आप उसके बारे में क्या कहें? सरकार ने यहाँ पे जो रोजगार निर्माण करने वाले आर्टिजन्स है कि जो आज के दिन में मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, तो उनको सब्सिडाइज रूप में ज्यादा से ज्यादा मूडी मतलब कैपिटल अवेलेबल करके देना जरूरी है। उसके लिए सब्सिडाइज रूप से उनको फाइनेंस अवेलेबल करना जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार निर्माण कर सकेंगे, और रोजगार निर्मित बहुत जरूरी है आज के विकसित भारत के लिए। और सुरक्षा जो है वो तो सरकार हमें दे ही रही है, उद्योग को दे ही रही है, वो ऐसी ही रहे यही अपेक्षा है। और क्लियरेंसेस जो है कम से कम इंस्पेक्टर राज हो, इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। पावर सप्लाई अच्छा है, सुरक्षा अच्छी है, टैक्स क्लियरेंसेस अच्छे है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी लीजरता या जो क्विकनेस चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, वो थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी में आनी चाहिए, ऐसा अपेक्षा है। नमस्कार, हम लोग जैव खेती में काम करते हैं। जैविक खेती आजकल सबको पता है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, क्योंकि 1960 में हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन चालू हो गया, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भारत देश में अंदर आना चालू हो गया। आज ऐसी स्थिति है कि हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद या तो फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमको ये भी देखने को आजकल मिल रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियां बहुत फैल रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा लक्ष्य यह है कि हमारी जो खेती है वो जैविक होनी चाहिए। ये जो विषय है वो हम लोग 1997 से लगातार इसके विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। शासन के माध्यम से इसके ऊपर प्रसार प्रचार होना वो काम अच्छी तरह से चालू है। जो हमारी ऑर्गेनिक जो इनपुट्स है, जिसको हम लोग जैव निविष्ठा बोलते हैं, तो उसके लिए एक प्रमाणीकरण, उसका एक सर्टिफिकेशन, उसको स्टैंडर्डाइज करना, ये विषय में शासन बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहा है। ये काम आगे भी बढ़ना चाहिए, और ये ऐसे जो फार्मर्स है जो खेती इस प्रकार से कर रहे हैं उनका एक ब्रांड विकसित होना, मतलब वो उपजाऊ तो कैसे करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनको उनका ब्रांड बना के उनकी जो व्यवस्था है वो निर्माण करके उनको अच्छा वैल्यू एडिशन देने के सहयोग में शासन ने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। थैंक यू। मैं रोहित सर से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है उनमें आयुर्वेदिक कॉलेज की जो संख्या है और जो सीखने वाले स्टूडेंट है वो आने वाले जो पीरियड है उसमें आपके लिए उनसे क्या अपेक्षा है? अभी हम लोग जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है,
उस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो मोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो होता है एक डॉक्टर। अब जितने डॉक्टर ज्यादा निर्माण होंगे उतना ही हेल्थ केयर सिस्टम ये ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगी। आज अगर हम देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में आज साधारण 50 से 60 आयुर्वेदिक कॉलेजेस है एंड ऑन एन एवरेज अबाउट 50-60 की कैपेसिटी होती है एवरी कॉलेज की ट्रेनिंग की। तो अगर टोटल अगर हम लोग देख के चले तो साधारण 2,500-3,000 डॉक्टर्स गेट प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अगर इस पूरे नंबर को देखेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के पॉपुलेशन के हिसाब से वी हैव टोटल अबाउट 80-90,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन महाराष्ट्र। तो ये नंबर ये काफी नहीं है, वी कैन हैव स्टिल अ बेटर नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर बेड का नंबर तो ये तो हम लोग बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम लोग प्रिवेंटिव के हिसाब से देख रहे आयुर्वेदा को तो ये नंबर काफी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ट्रेनिंग ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की जरूरत है उनके डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आगे जाकर के सर्जरीज की जरूरत कम पड़े और टोटल इकोनॉमिक बर्डन भी कम हो। सो डॉक्टर्स एज वेल एज पैरामेडिकल स्टाफ इन सारे चीजों को अच्छी तरह से देखने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। नॉट ओनली सर्टिफिकेशन ऑफ दोज डॉक्टर्स बट पोस्ट सर्टिफिकेशन, अगर उन डॉक्टर्स को और अच्छा स्कोप मिले और अच्छा अगर उनको एक्सपोजर मिले विद द पेशेंट्स तो मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस एक प्रकार का निर्माण हो जाता है डॉक्टर के माइंड में एंड दैट गिव्स अ एक्सीलेंट कैपेसिटी बिल्डिंग का एक्सरसाइज हो जाती है, दैट विल हेल्प द होल इंडस्ट्री टू ग्रो इन द फ्यूचर। सभी सोने की बात आती है तो सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपके बिजनेस के सिक्योरिटी के लिए क्या योजनाएं लाई हुई है, उनका उनका लाभ आपके अपने इधर पहुंचता है क्या? अलग से सिक्योरिटी योजना तो नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन जहां पे भी सराफी बाजार फैले हुए है वो एरिया में पुलिस सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी सिस्टम से अलार्मिंग सिस्टम है या सीसीटीवी सिस्टम है वो शासन ने लागू करके रखी है और उसके वजह से वो एरिया में कंट्रोल हो रहा है। अभी ज्वेलरी पार्क जैसे उन्होंने जो प्रकल्प लाने की चर्चा हो रही है वो ज्वेलरी पार्क आता है तो एक ही जगह पे पूरा सिक्योर्ड मार्केट एक क्रिएट हो सकता है और वहां पे सिक्योरिटी बन सकती है। सिक्योरिटी ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है तो सिक्योरिटी के लिए मैनपावर क्रिएट करना, प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर के लिए मैनपावर क्रिएट करना, वो भी स्पेशली ज्वेलरी सेक्टर के लिए क्रिएट करना, ये शासन ने उसमें ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसा मेरा सोचना है। अगला सवाल आपके लिए है, महाराष्ट्र सरकार की जो जल सिंचन योजना है उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? खेती की अगर बात करें तो पानी के बिना खेती नहीं हो सकती, ये तो भली भांति सब लोग जानते हैं। मिट्टी और पानी, हम लोग बोलते हैं इसी मिट्टी से जन्मे हैं, इसी मिट्टी में जाना है, तो वो मिट्टी का जो रूप है उसको बनाए रखे। पानी की मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो पानी के बिना खेती नहीं हो सकती। मैं जो एरिया से आता हूँ वो जो एरिया है वो वीटा है, सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो वहां पे जो हमारे जो चार मतलब जो तहसील है वहां पे पानी की व्यवस्था एकदम बहुत ही कम थी। हमारे जो स्वर्गीय आदरणीय अनिल रावजी बाबर हमारे जो एमएलए थे वहां के, उन्होंने बहुत 10 साल में काम किया, टेम्बू करके एक जो योजना थी उसका निर्माण किया और कृष्णा रिवर से वो लिफ्ट इरिगेशन का पूरा पानी उठा के आसपास के सभी चार तहसील में उसको पहुंचा दिया है। पानी आने के बाद वहां के जो खेती करने वाले जो हमारे जो फार्मर्स है और वो जो किसान लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खेती करना शुरुआत कर दी। अभी जो हमारा जो जीडीपी है वहां का एरिया का अगर लोग हम बात करें तो वहां पे हम लोग ग्रेप्स अच्छी तरह से बनाते हैं, अंगूर मतलब जो बोलते हैं पॉमग्रेनेट है, उसके बाद गन्ना अच्छी तरह से इन लोग उगाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वहां पे है। तो वहां का जो आर्थिक जो नियोजन है इन लोगों का वो अच्छी तरह से मतलब वो बढ़ गया है। पानी के बिना ये हो नहीं सकता, ये शासन को भली भांति शासन भी जानता है और इसी प्रकार से महाराष्ट्र शासन अच्छी तरह से पानी की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने।